इस संसार के सुख जो है वो भगवान उन्हें अर्पित करता है और अंत में उन्हें भी सनातन मोक्ष जो है वो प्राप्त होता है। तो आज हम सभी नए साल जी के लिए अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। अंतिम श्रद्धांजलि क्या है और आपका सभी का बड़ा बड़ा धन्यवाद परिवार वालों की ओर से। बाहर सबसे पहले मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, फ्रेंड्स फैमिली नियर एंड डियर वंस, जितने भी पापा को जानते हैं, जितने भी मेरे फ्रेंड सर्कल में हैं, आप आज यहाँ पे आए सबका बहुत बहुत शुक्रिया। दो शब्द मैं बोलना चाहता हूँ अपने पिताजी के बारे में। वैसे तो हर बेटा अपने पापा का हमेशा याद करेगा और जो जितने भी वर्ड्स उनके लिए बोले हमेशा काम हो गए। आपके शुभ चरणों में अपना सर रखे, हृदय से आपका आकर पकड़ लो।
कोई भी चोरी नहीं नहीं पहचान लिया पुत्र पहचान लिया देवी मगर Thank you.
Thank you.
Yeah.
Yeah.
Thank you.
वंदे शिव शंकर पुराण के माध्यम से 16 प्रश्न करते हैं और इस पुराण के 16 ही अध्याय हैं। यह पुराण सबसे पहले हमें शिक्षा देता है कि जब हम इस मनुष्य शरीर में आते हैं तो सबसे पहले हमारे कर्तव्य क्या है। माता पिता की सेवा करना ये हमारा परम कर्तव्य है और उनकी आज्ञा का पालन करना, अपने गुरु आचार्य की सेवा करना हमारा परम कर्तव्य है। परम करते हैं भगवान राम स्वयं उनके आकर काम करते हैं। हमें नहीं पता चलता कि वो काम कैसे उत्पन्न हो गया। ये पुराण भी यही कहता है। इसके इस 16वें अध्याय में गुरु जी ने भगवान से प्रश्न किया कि जीव इस मृत्यु लोक में आएगा और यहां पर आकर कौन से कर्म करकर इसे पुण्य की प्राप्ति होगी, इसे सर्वत्र के सनातन वंश ग्रहण कर पाएगा। तो भगवान कहते हैं कि आदि अंत रहे निर्विकार परस परे भगवान और राम है, उनका ही नाम लिया गया। ब्रह्मा विष्णु महेश राम ये सब एक ही रूप है। भगवत रूप और सनातन मोक्ष क्या है कि वो चिंगारी जो अग्नि की है वो दोबारा किस प्रकार अग्नि में रखनी है, अर्थात जे भगवत का अंश जो भगवत से अलग हुआ है, राम जी का अंश जो राम से अलग हुआ है, इसे पुण्य राम में लिप्त होना है। ये कैसे होना है? ओम राम इन मंत्र ही लिप्त हो जाता है। माता पिता दर्शन दे रहा है कि होर नहीं मिलता, बाकी सब कुछ मिल जाता है। माता ऐसी कोई गलती करिए तो माता पिता सदस्य रखा देते हैं मार देगी, लेकिन उन्होंने इसलिए उन्होंने प्यार जो है बसिया होता है। मापी प्यार के कारण लड़ाते ने कदे प्यार के दफिया पाते ने, इन्होंने प्यार का ना कोई बोल बराबर, इन्होंने रिश्ता भी ना कोई बोल। माता पिता बड़ा लाड़ लड़ाने बच्चे का स्थान कोई होर नहीं लै सकता। मापे बच्चे का जीवन संवारते ने, काम करते कदे भी हारते ने, अपने बच्चे का जीवन संवारते ने। जिन्ने बच्चे बुढ़ापे में हो जा फिर भी बच्चा कितने ड्यूटी गया है कितने काम से गया है तो उन्होंने भी चलाना सिखाया। बुढ़ापे के बीच उस माता पिता की हमलाठी बनी, उन्होंने सहयोग लिए, उन्होंने आज्ञा का पालन करिए, उन्होंने सेवा करिए। शान मापिया की सदा बनाइए, नेकी दुनिया च इंज कमाइए,
हंस के बोलिए सदा लिखे बोल, ईमानदारी में भी लिखिए बोल। कब तो आए अपने ऑफिस को आए, माता पिता बुजुर्ग घर के बैठे हुए न, उन्होंने कोल दो मिनट बैठ के मिठे बोल बोल के तुसी उन्होंने उन्होंने हाल पूछ लो, माता पिता बड़े प्रसन्न हो जाए। इन्ने विच कुछ नहीं चाहिए उन्होंने, साड़ी कमाई कुछ नहीं चाहिए, केवल मिठे बोल जाते हैं। मेरे पास मेरा बच्चा बैठ के मेरा हाल चाल पूछ लो, मैं कोई दो वचन कहेंगे। सत्कार मापिया का आप भी करिए, फिर बच्चों तो उम्मीद भी नहीं करिए। जे असि अपने मापे माता पिता की सेवा करेंगे तो साडे बच्चे भी साडी सेवा करेंगे। कदे कहने का पवे लोड़, बच्चे देखने के आदर करन होर, साडी रब के यही फरियाद है, राजी लक्ष्मी मापे साडे सिर दा ताज है। सारे बच्चे हमेशा यही भगवान ने अरदास करते रहें और भगवान से प्रार्थना करते रहें कि हमें इतनी शक्ति दें कि हम अपने कर्तव्यों का पालन करें, अपने माता पिता की सेवा करें, तो भगवान अपने भी सुख शांति और सभी इस सारे की जो है वो भगवान उन्हें अर्पित करता है और अंत में उन्हें भी सनातन मोक्ष जो है वो प्राप्त होता है। तो आज हम सभी नए साल के लिए अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। अंतिम श्रद्धांजलि क्या है और राम राम कहते हुए उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया, वो चले गए और फिर जमा कराने जाते हैं, वहां पर कतार लगी हुई होती है। तो हमें पता चलता है कि हम हमारा दसवां नंबर है, दस के बाद हमारा नंबर आ जाएगा, अब पांच के बाद है या नहीं है। तो ये विचार करना चाहिए जहां अंतिम श्रद्धांजलि में कि वो जो जहां से चले गए, जिनके लिए अपने धर्मों का पालन करते हुए अपने जीवन का यापन करेंगे, नहीं साहब उन्होंने अपने जीवन के जितने भी कर्तव्य थे बहुत अच्छी तरह निभाए। माता पिता की छवि को देखना हो तो उनके बच्चों में देखा जा सकता है, हमारे बुजुर्ग कहते हैं और शास्त्र भी ये बात कहते हैं। तो उन्होंने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी और पढ़ाया लिखाया, अच्छे रास्ते पर दिखाया। हम केवल भगवान से यही प्रार्थना कर सकते हैं समय कि हे भगवान उन्हें अपने चरणों में स्थान देना, क्योंकि ये सत्य है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्य है। कारण और स्थान ये तीनों पहले लिख दिए जाते हैं, इसकी मृत्यु कब कहां और कैसे होगी। एक ना एक दिन जहां से जाना है, जब जिसकी बारी आ गई वो जा रहा है, लेकिन कैसे जाना है, नैयर साहब कैसे गए, अपने बच्चों का पालन पूरा जब किया, हमेशा उनके बाद जब भी जहां फिर उनसे मिलो कर राम 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 राम, बस यही उनके पास होता है। और भगवान स्वयं उन्हें अपने आप अपने पिता का मुंह लेने आए, जैसे उनकी मृत्यु हुई एक स्कंद में उन्होंने अपने त्याग प्राण करके अपने पत्नी की गोद में ही त्याग किया। इससे बड़ा सौभाग्य बड़े मुश्किल से मिलता है। कर सकते हैं कि भगवान उन्हें अपने चरणों में स्थान देना और परिवार वालों को, माता पिता कितने भी बुजुर्ग हो जाएं, लेकिन बच्चे जो हैं
उनका ऊपर उनका हाथ रहे, ये सभी लग रहे, लेकिन प्रकृति के निजों को हम डाल नहीं सकते। भगवान से यही प्रार्थना है कि भगवान उनके बच्चों को, उनके परिवार वालों को ऐसी शक्ति प्रदान करना कि वो इस असह दुख को सहन कर सके और उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलें। इसी तरह से विदेश में रहते हुए अपने भगवान का नाम लेते रहें, सभी से मिलते जुलते रहें, ये भगवान से प्रार्थना है। आए हुए सभी सज्जनों से, परिवार वालों की ओर से प्रार्थना है कि जिनका शगन बनता है वही शगन देंगे। आप सभी उनके इस दुख में शरीक हुए, आप भगवान से प्रार्थना करें कि नैयर साहब भगवान के चरणों में रहें उनकी। और आपका सभी का बड़ा बड़ा धन्यवाद परिवार वालों की ओर से। बाहर भोजन लगा हुआ है, जिन्होंने भोजन कर लिया वो ठीक है, बाकी सभी भोजन करने के बाद जाए। अब जो है कौटे की रस्म होगी, उसके बाद सभी ने जिन्होंने चाय पान करना हो या खाना खाना है वो सभी ने प्रसाद लेकर जाए। सबसे पहले मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, फ्रेंड्स फैमिली नियर डियर वंस, जितने भी पापा को जानते हैं, जितने भी मेरे फ्रेंड सर्कल में हैं, आप आज यहाँ पे आ गए, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। दो शब्द मैं बोलना चाहता हूँ अपने पिताजी के बारे में। वैसे तो हर बेटा अपने पापा का हमेशा याद करेगा और जो जितने भी वर्ड्स उनके लिए बोले हमेशा कम हो गए हैं, बट मेरे पापा ने मुझे जीने का तरीका सिखा दिया, उन्होंने जिंदा दिली सिखा दी। हम सोचते रहते हैं कि लाइफ में ऐसा होगा तो क्या करेंगे, मैं पहले वो पा जाऊँ फिर मैं वो करूँगा, बहुत सी प्लानिंग चलती रहती है। पर जैसे मैं पापा के पास जाता था वो बस मुझे यही कहते थे, अगर जीता जो भगवान की मंजूर वही होगा तो चिंता मत कर। और इतना सुनने से मेरे सारे टेंशन, मेरे सारा एंग्जाइटी दूर हो जाती थी। मेरे पापा एक he was working in electricity board, retired as a superintendent of electricity board. But throughout कभी हमें कभी भी ये फील नहीं होने दिया कि कोई भी चीज हमारी, कोई भी जरूरत हमारी बहुत बड़ी है। कभी हमें पैसे के लिए या कोई कहीं मैंने कुछ हायर एजुकेशन के लिए जाना है उसके लिए उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है। इवन की रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अपना एक आई थिंक 40-50 हजार रुपए रखे हुए थे नया स्कूटर लेने के लिए। तो मैंने वैसे कह दिया कि पापा मुझे कंप्यूटर लेना है, तो वो कितने का आएगा तेरा कंप्यूटर, तो मैंने बोल दिया कि ये कुछ 40 हजार का, तो उन्होंने फट से ले लिए। तो ऐसी बातें मैं हमेशा याद रखूंगा पापा। और कैनेडा में भी 2005 में वो दिल्ली के पास आए और 2006 में फिर वो कनाडा में आना शुरू हो गया। और जितने भी मेरे वहाँ पे दोस्त हैं, उनकी फैमिली, उनके बच्चे, सभी से उनका प्यार था और सभी उनको मेरे पापा के से ज्यादा उनको खुद अंकल अंकल कहते थे। जब भी कोई परेशान होता, कोई डिप्रेशन में आ जाता, कोई जॉब की वजह से या कोई और वजह से, वो पापा के पास आके बैठता, पापा उसको बोलते देखो जो मर्जी है मेरे पास, मेरी बीमारी है, दवाइयां हैं, लेकिन हमें खुश रहना चाहिए, हर हालत में खुश रहना चाहिए। वहां पे भी जब हमने क्रिमेशन किया तो हमारे दोस्तों में सभी पहुंचे वहां पे, सभी ने अपने भाव व्यक्त किए और जाते जाते उन्होंने जय श्री राम का नारा लगाया। जब हम उनको क्रिमेट कर रहे थे कि जैसे पापा से कोई मिलता था सबसे पहले ऊंची ऊंचे स्वर में बोलते थे जय श्री राम, चाहे कितने भी बहुत दर्द में हो उस टाइम पे उनसे आवाज निकले लेकिन जय श्री राम का नारा वो हमेशा ऊंचा लगाते थे। और वही नारा वहां गुजरा था जब हम उनको प्रिवेट कर रहे थे, पंडित जी पूजा करवा रहे थे,
पूरे भाव में वही नारा गुजर रहा है, जय श्री राम जय श्री राम का। और मैं मुझे गर्व है कि मेरे पापा ने मुझे सिंपल तरीके से जीने का तरीका सिखाया। जिंदगी को हम बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन कर लेते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, लेकिन ये तो सिर्फ जीना है, सांस लेनी है, बस यहाँ पे कुछ रहना सीखना चाहिए। वो मेरे पापा ने सिखाया, मैं हमेशा उस चीज को याद रखूंगा। आई लव यू पापा, आई विल मिस यू फॉरएवर। आप हमारे पास पधारे हैं, आप सबके शुभ चरणों में अपना सर रखे, हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। अपना आनंद हमारे साथ संवेदना व्यक्त करना हमारे जगहों पर मरहम का काम दे रहा है। आपका हाथ हमारे सिर पर हमें आशीर्वाद के रूप में मिल रहा है। जहां तक नई रक्षा का संबंध है, उनका जीवन एक बुरी किताब था, उनके मन में कोई फरेब नहीं था, बड़े साफ सदुशील थे हमारे दोनों परिवार नैयर पर, लेकिन उनके विल पावर पर स्ट्रांग थे। अपने विल पावर के द्वारा और मेरी बहन उषा की सेवा के द्वारा उनके बच्चों मोना कन्नू शिवानी संजीव उनके द्वारा दी हुई सेवाओं के लिए, उनके द्वारा दिए भगवान के रिस्पेक्ट के सहारे को इस संसार में इतनी देर तक गुजर गया। उनका आशीर्वाद हमें स्वामी
¿Qué pasa? 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 ¿Qué pas